वेलकम बस दोस्तों, आज हम मौजूद हैं ठट्ठा पे और आज हम इस पूरे ठट्ठा के रिव्यू करेंगे। दोस्तों ये ठट्ठा के जो ये कब्रिस्तान है पुराने तकरीबन 1000 साल ये पुराना है कब्रिस्तान है, तो ये मुग़लों के दौर से है। और हमारे साथ बाबा भी मौजूद हैं, ये इनकी उम्र भी तकरीबन 102 साल है और ये इनके दादा परदादा से यहाँ पे ही है। और ये नेवले का यहाँ पे करतब दिखा था, नेवले और सांप का। बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बाबा, तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा कितने साल से हैं यहाँ पे? हम बेटा हमारे परदादा यहाँ गुजर के, हम पैदाश ही यहीं के। अच्छा माशाल्लाह। तो साहब बीन वगैरह बजा के दिखाएं, बीन बजाइए। ठीक है बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा और से कब्रिस्तान के बारे में कुछ बताएं। हाँ बाबा, इस कब्रिस्तान के बारे में और कुछ बताएं। और क्या बताएं, यहाँ एक कुआ है, ठीक है, वो सामने कुआ है अली बाबा चाली चोर। अच्छा, ये भी 1000 साल पुराना है। अच्छा, ये देखो अली बाबा 40 चोर के दौर से। हाँ। अच्छा, और यहाँ ये दीवान शरफा खान है, ठीक है, वो भी यहाँ वजीर था, ठीक है। ईशा खान तुर्खान, ईशा तुर्खान, ठीक है, उसका महल है, वो भी 1000 साल पुराना है, ठीक है। समझा बाबा, बहुत से आगे है, अब्दुल्ला शाह साहबी है, साहब रसूल है। हाँ, बहुत वली है, बड़ा वली है, ठीक है। हाँ हाँ, बड़े बड़े वलिया है। बाबा टाइम देने बहुत शुक्रिया। अल्लाह। दोस्तों आगे चलते हैं और हॉर्स राइड लेते हैं और आगे जाके इनको पूरा राउंड करते हैं, तो आइए मेरे साथ। जी बाबा, ये सामने जाने भी है, ठीक है, ये वाला ठीक है। 400 साल पुराना कब्रिस्तान है। 400 साल? हाँ 400 साल। ये इसकी तो वो ज़्यादा लिखी हुई इसकी नहीं, वो रजिस्टर था ना, वो 400 साल में हाथ आया। अच्छा, लिखा हुआ तो फिर कितने साल में भी, ठीक है ठीक है। ये पूरा कब्रिस्तान जो 4000 साल पुराना है। अच्छा, 4000। मगर ये हुकूमत ने जो अपना जो जिसको रिकॉर्ड आया ना, तो फिर ये बोर्ड बना के लगा दिए हैं, आदमी को याद भी रहे ना। सही, तो पुराना से पुराना कब्रिस्तान है ये है। टुगल बैग, ठीक है ठीक है सर। ये भी पुराने हैं, ये सारे आगे मस्जिद हैं, और ये आगे जो है ये गवर्नर साहब की हवेली है। ईशा खान बिरला, ये वाली, ठीक है, ईशा खान बिरला उसकी हवेली है। ये बनावट तो माशाल्लाह इनकी बहुत ही आला किस्म की है, जैसे लग रहा है मशीनी काम, जैसे मशीनों से होते हैं कटिंग, ऐसे जो है उससे मशीनें कहाँ थी, मगर दिल की और नीयत की सच्चाई थी। जी जी बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके वजह अभी तो ऐसे काम कोई मशीन भी नहीं कर सकती है। नहीं मशीन कर सकती, डिज़ाइनिंग जैसे हो रही है, जो ग्राफिंग जो चली इसकी हुई है। बाहर के लोग आए थे वो बनाने के लिए, आगे वो बगीचे पड़ी है, आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो उसको बोला जो भाई ये काम, बोला भाई हमारे पास का काम नहीं है, हमारे से काम नहीं होगा। ये शरफा खान है, ठीक है, शरफा खान है। ये गवर्नर साहब की हवेली है, किसकी? गवर्नर साहब की, ईशा खान मिर्जा। हाँ डिजिटल वोट, अभी घुमा लो। हाँ पूरा ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, ठट्ठा ज़िला जो है पूरा ये वलियों का भरा हुआ है। कब्रिस्तान जो है एशिया के बड़े से बड़ा कब्रिस्तान, एशिया का बड़ा, हाँ पूरा एशिया का बड़ा कब्रिस्तान यही है। अच्छा, हाँ जी। जो भरने आते हैं ना वो हमको ये करने वाले होते हैं। आपकी कितनी उम्र है अंकल? मैं 80 साल के करीब हूँ। 80 साल हो, यहाँ पे 52 साल हो गए तकरीबन आपको? 55 साल हो गया है, 55 साल के, 57 साल हो गया है इस यहाँ पे से ठट्ठा में। ठट्ठा हमारा घर है। अच्छा, यहाँ टांगा चलाते हुए 55 साल हो गया? हाँ 55 साल हो गया। दोस्तों थोड़ा हॉर्स राइड हमने कर लिया, आगे चल के मस्जिद चलते हैं और आगे क्या क्या है तो आइए मेरे साथ। अच्छा दोस्तों, ये बराबर में है बोली वेल जो कि अली बाबा 40 करोड़ के नाम से मशहूर है। तो आगे देखते हैं वेल कैसा है, आ जाइए आगे। आइए आपको दिखाते हैं ये बोली वेल का अंदर जो अली बाबा 40 करोड़ का ये कुआं कहलाता है। आइए इसको लॉक किया हुआ है, पहले हम उसको बाहर से दिखा देते हैं। कुएँ की हालत आप देख सकते हैं, ये हज़ारों साल पुराना है और पानी अभी भी इसके अंदर एसिडिस फैसे ही खड़ा है अभी तक। देखें आप कुएँ की हालत, देखें आप। अच्छा दोस्तों, ये तो आपको कुआँ दिखा दी, अंदर लॉक था, तो थोड़ा बहुत नज़ारा हमने आपको दिखा दिया। और आगे हज़रत साहबी का मज़ार भी है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के, मतलब वो साहबी भी कहलाते हैं, तो उनका आगे मज़ार है, वो भी आगे देखते हैं। तो अच्छा दोस्तों, हम अभी ठट्ठा के मज़ार और कब्रिस्तान से होकर उसके फाइनली हम अब्दुल्ला शाह साहबी के मज़ार पर आ गए हैं। ये अब्दुल्ला शाह गाज़ी कराची में जो उनका मज़ार, जिन्हें अब्दुल्ला शाह गाज़ी साहब हैं, उनके ये भाई हैं, तो उनके मज़ार पर चलते हैं और। अच्छा दोस्तों, ये छोटी सी मार्केट है यहाँ पे मज़ार के अंदर, एंट्रेंस के साथ ही, जैसे आप मेरे अकब में देख सकते हैं, पीछे मज़ार है। तो ये अंदर चल के देखते हैं अंदर। अच्छा नाज़रीन, यह अब्दुल्ला शाह साहबी के मज़ार पे आ चुके हैं। ये अच्छा, सामने इनका शजरा भी लिखा हुआ, तो वो भी ज़्यादा दिखा रहे, कैमरा मैन ज़्यादा दिखाइएगा सामने। दोस्तों, आपको ठट्ठा का भी हमने विज़िट करा दिया है, साथ ही हमने अब्दुल्ला शाह साहबी का मज़ार का भी करा लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।